हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से जुड़ी एक सबसे अहम डिवाइस के विषय में, उन डिवाइसों के विषय में जिनका कंप्यूटर में सबसे अहम रोल होता है, और वो होते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस उन डिवाइसों को कहा जाता है जहाँ से आप रिजल्ट प्राप्त करते हैं। वह रिजल्ट सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है और हार्ड कॉपी में भी हो सकता है। आउटपुट डिवाइसों के विषय में बात की जाए तो सबसे पहले उसमें जो डिवाइस आती है वह होती है मॉनिटर। मॉनिटर, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनके कई प्रकार होते हैं और इनके द्वारा जो रिजल्ट दिया जाता है वह सॉफ्ट कॉपी होता है। इनके प्रकार की बात किया जाए तो LCD मॉनिटर आते हैं, LED मॉनिटर आते हैं, CRT मॉनिटर आते हैं, प्लाज्मा मॉनिटर आते हैं। ये चार तरह के मॉनिटर मार्केट में अवेलेबल है जिनका यूज हम आउटपुट डिवाइस के रूप में कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो आती है आउटपुट डिवाइस में वह होती है प्रिंटर की। प्रिंटर में अगर बात किया जाए तो प्रिंटरों की दो प्रमुख कैटेगरी आती है, जिसमें पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनके अंदर भी दो तरह के प्रिंटर पाए जाते हैं, पहला कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा लाइन प्रिंटर। और इन दोनों प्रिंटरों के भी दो दो भाग होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं और डेजी व्हील प्रिंटर आते हैं। उसी तरह लाइन प्रिंटर के अंतर्गत ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर आते हैं। ये तो हो गई इम्पैक्ट प्रिंटर की बात। दूसरा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के दो प्रमुख भाग होते हैं, जिनमें एक तरह के होते हैं लेजर प्रिंटर और दूसरा होता है इंकजेट प्रिंटर। इस समय अगर बात किया जाए मार्केट में तो सबसे ज्यादा अगर प्रिंटरों में कोई प्रिंटर यूज होता है तो वह होता है लेजर प्रिंटर। थर्ड कैटेगरी जो आती है आउटपुट डिवाइस में वह होता है प्लॉटर का। प्लॉटर भी एक तरह से प्रिंटर का ही कार्य करता है, लेकिन वह बहुत बड़े स्तर पर होता है। और इनमें भी दो कैटेगरी आती है, एक होता है फ्लैट बिट प्लॉटर और दूसरा होता है ड्रम प्लॉटर। चौथी कैटेगरी जो आती है आउटपुट डिवाइस में वह होती है प्रोजेक्टर की। जैसा कि आप देखे होंगे आसपास प्रोजेक्टर पे लगे हुए, प्रोजेक्टर पे मैक्सिमम सिनेमा चलाए जाते हैं, मैक्सिमम प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, वही प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। और पांचवी तरह का जो आउटपुट डिवाइस पाया जाता है उसे बोला जाता है स्पीकर। जी हाँ दोस्तों, जो स्पीकर हम यूज करते हैं, जो ईयरफोन हम यूज करते हैं, उसे भी आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो दोस्तों, ये रही हमारी जो है आउटपुट डिवाइसें जिन्हें प्रमुख रूप से कंप्यूटर के साथ यूज किया जाता है। और जहां तक देखा जाए प्रिंटर को लेकर के, तो प्रिंटर की इतनी सारी वैरायटीज हैं इसमें, तो इसको लेकर के एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रिंटर के सारे प्रकार और उन सब की कार्यविधि को भलीभांति समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।